दोस्तों नमस्कार। आज के वीडियो में हम बात करेंगे पोलैंड को लेकर के। अगर आप पोलैंड में जॉब देख रहे हैं, पोलैंड में अगर जाना चाहते हैं, अपना करियर बनाना चाहते हैं, दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। हम बात करेंगे पोलैंड में अगर आप जाना चाहते हैं सुपरमार्केट जॉब के लिए, अगर आप ज्यादा पढ़ाई नहीं किए हैं, 10th पास है, 12th पास है, कोई भी ग्रेजुएट है, जैसे बीए, बीकॉम, बीएससी या कोई भी और ग्रेजुएट है, एमबीए भी इसमें अप्लाई कर सकता है। अगर आप जाना चाहते हैं पोलैंड में काम करने के लिए इन सुपरमार्केट, तो दोस्तों ये बहुत ज्यादा अच्छा अपॉर्चुनिटीज है जहां पर आप जाके ना सिर्फ पैसा कमाएं बल्कि अपना करियर भी बना सकते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। अगर पहले बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करें और साथ ही नोटिफिकेशन को दबा के रखें, क्योंकि इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको हर दिन मिलता रहे। तो शुरू करते हैं। दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा कि बहुत ज्यादा पढ़ लिखने के बाद कोई नौकरी नहीं है, ठीक है। बहुत लोग नौकरी के लिए दर बदर भटक रहे हैं और इस समय इसलिए मैं आपके लिए लेकर आया हूं दोस्तों सुपरमार्केट जॉब। सुपरमार्केट जॉब को पता ही होगा, सुपरमार्केट का मतलब होता है आम तौर पर हम जब देखते हैं दोस्तों वो किराना दुकान होता है। जब आप गांव से बिलोंग करते होंगे, छोटे शहर से बिलोंग करते होंगे तो किराना दुकान जैसे आप देखे होंगे, जनरल स्टोर। लेकिन अगर बड़े बड़े शहर में जाते हैं आप तो उसको एक बड़ा पैमाने पर बनाया जाता है जिसको हम बोलते हैं सुपरमार्केट, जहां पर आपको हर चीज वहां पर मिलता है, चाहे आप फिश कहें, मटन कहें, चिकन कहें, वेजिटेबल्स कहें, ठीक है, चाहे घर का जितना भी जरूरत का सामान हो दोस्तों, सारे सामान मौजूद होते हैं जिसे हम सुपरमार्केट नाम से जानते हैं। और सुपरमार्केट में बहुत ज्यादा पोजीशंस होते हैं दोस्तों, बहुत। तो दोस्तों सुपरमार्केट में बहुत ज्यादा डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा डिपार्टमेंट। जैसे कि अगर आप एंट्री घुसते हैं, ठीक है, एंट्री में आपको चाहिए होता है कौन, सिक्योरिटी। सिक्योरिटी के जैसे अंदर आप घुसते हैं दोस्तों दरवाजे के अंदर, बिलिंग कैशियर, ठीक है दोस्तों। बिलिंग कैशियर के बाद जब आप देखते हैं तो सुपरवाइजर वहां पर घूमते रहते हैं सब चीज चेक करने के लिए। नेक्स्ट जो होता है दोस्तों सेल्समैन का, जो आपको सजेस्ट करते हैं कि आप ये लीजिए, आप वो लीजिए। हालांकि सुपरमार्केट में ये सेल्फ होता है, आप खुद जाके खुद से आपको निकालना है जो भी सामान आपको चाहिए, फिर भी वहां सेल्समैन घूमते रहते हैं जो आपको सजेस्ट करते हैं कुछ नया प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है। उसमें ज्यादा कुछ मतलब बोनस वगैरह होता है, ठीक है, तो उस टाइप का आइटम्स को आपको सजेस्ट करते हैं जिसे हम सेल्समैन कहते हैं। नेक्स्ट दोस्तों स्टोर मैनेजर, बहुत बड़ा पोजीशन है, जो इंचार्ज होते हैं स्टोर का, ठीक है। उसके लिए आपको कंपलसरी बीबीए या एमबीए होना चाहिए, तो एज ए स्टोर मैनेजर आप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट पोजीशन जो है दोस्तों असिस्टेंट स्टोर मैनेजर, जो स्टोर मैनेजर के नीचे जो काम करते हैं दोस्तों, शिफ्ट इंचार्ज आप कह सकते हैं, तो उस पोजीशन में भी काम करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों स्टोर क्लर्क, जो स्टोर को स्टोर होता है उसका क्लर्क होता है, ठीक है, कि भाई वो बैकएंड में काम करते हैं कि कितना सामान आया, कितना सामान गया, बारकोड डालने के लिए, बारकोड निकालने के लिए, स्कैनिंग, सब चीज जो क्रिएट किया जाता है उसको बोलते हैं, जो आपको एंड ऑफ द डे बताएगा कि भाई कितना हमारे पास है और कितना गया। और इन लोगों के साथ में एक और डिपार्टमेंट काम करे जो है इन्वेंट्री, इन्वेंट्री कंट्रोल स्पेशलिस्ट, जो इन्वेंट्री मतलब काउंट, जैसे हमने 20 कोक लिया, कितना बिका और कितना पास अभी स्टॉक में है, ठीक है, तो जिसका काउंट लिया जाता है उसको बोलते हैं इन्वेंट्री कंट्रोल स्पेशलिस्ट, ताकि कोई खराब ना हो, ज्यादा चोरी ना हो, ठीक है, वेस्टेज ना हो, जो इन्वेंट्री लिख के रखते हैं, ठीक है। बहुत क्रूशियल जॉब है, बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है। नेक्स्ट जो पोजीशन होता है दोस्तों वो है कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव। जैसे कि अगर आपके कोई भी कंप्लेन हुआ, कोई प्रॉब्लम हुआ, आपने बिलिंग में कुछ गड़बड़ हुआ, ठीक है, तो आप जाके उनसे बात कर सकते हैं, जो आपका कोई भी प्रॉब्लम को वो सॉल्व करते हैं, तो ये जॉब भी अवेलेबल रहता है। नेक्स्ट दोस्तों ओवरनाइट स्टॉक क्लर्क, ये क्लर्क काम होता है जो डेली के डेली जितना भी सेल हुआ, जो भी हुआ, ठीक है, उसके बारे में हर रात को एक रिपोर्ट जनरेट करते हैं और उसका देखभाल करते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे जॉब अवेलेबल है दोस्तों पोलैंड में। तो अगर आप सोचते हैं कि आप इसमें एलिजिबल हैं तो आपको डेफिनेटली इसमें अप्लाई करना चाहिए। इसमें दोस्तों सैलरी अच्छा होता है, आपको बहुत ज्यादा फैसिलिटीज मिल जाते हैं, जैसे कि इंश्योरेंस हो गया, मेडिकल हो गया, फूड हो गया, एकोमोडेशन हो गया, बहुत ज्यादा फैसिलिटीज आपको मिलते हैं कंपनी की तरफ से। और ये जो सुपरमार्केट है दोस्तों छोटा छोटा नहीं है, बहुत बड़ा बड़ा कंपनीज होते हैं। कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कौन सा कंपनी अप्लाई कर सकते हैं, मैं कल के वीडियो आपको बताऊंगा कि कौन सा वेबसाइट है जहां पर आपको जाके अप्लाई करना चाहिए, ठीक है, और क्या प्रोसेस है मैं आपको स्क्रीन में दिखाऊंगा कि आपको कौन सा वेबसाइट में जाना है, कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ता है इसमें और कितना दिन का प्रोसेस है इसमें। आपको ना किसी को एक रुपया देना है, ना किसी एजेंट के झंझट में पड़ना है दोस्तों, आप डायरेक्टली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं।
अप्लाई करने के बाद आपको जो भी प्रोसेस है मैं आपको कल के वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको एक ब्रीफ आइडिया मिल गया होगा कि भाई आपको कौन कौन सा पोजीशन होता है सुपरमार्केट में और आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि मेरे वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जैसे आप ये वीडियो देखते हैं आपको तुरंत अपना रिज्यूमे और कवर लेटर बना के रखना है, फोटो एक पासपोर्ट साइज फोटो बना के भी रखना है, ठीक है, ताकि जैसे मैं कल आपको वीडियो बताऊंगा वीडियो बनाऊंगा वो देख के आपको इजी हो जाए अप्लाई करने के लिए। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा होगा आप लोगों के लिए, करियर के लिए, जॉब्स के लिए। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। अगर आप पहले बार चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करें, साथ ही नोटिफिकेशन बटन को ऑन रखें क्योंकि इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको हर दिन मिलता रहे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नया वीडियो में नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल और मुझे दीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।